तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने एक क्वेश्चन 10 ईयर का देख लिया और 10 ईयर में मात्र 4 ही क्वेश्चन हैं, और उन चारों के आंसर्स आप कर लीजिएगा तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, फोर्थ क्वेश्चन हम देख लेंगे अभी। पहले क्वेश्चन नंबर हम क्या कर लेते हैं सर, 2। हालांकि क्वेश्चन जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने डिस्प्ले कर दिया था, आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिसके पास 10 ईयर है तो वो तो भाई 10 ईयर लेके पढ़े, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है प्रिपेयर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के एम लिमिटेड ऑल्सो इन्फॉर्मेशन बिटवीन ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड बिफोर टैक्सेशन। मतलब रिकंसिलेशन भी करना है, ठीक है सर। और आपको एक नीचे यहाँ प्रॉफिट स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट दे दिया, और नीचे कुछ नोट्स टू अकाउंट्स दे रखा है, और नीचे एडजस्टमेंट है। बीच में ना एक सॉल्यूशन डाल दिया, वो थोड़ा सा बच्चों को मतलब कंफ्यूज कर सकता है। सॉल्यूशन वहां से नहीं है, जो दूसरी जगह पे डाला हुआ है ना वहां से सॉल्यूशन है। तो वेरी सिंपल, हम पहले क्या करें फटाफट से वही स्टेटमेंट जो सीखा था बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सेल्स लिख लेते हैं। ऊपर की हेडिंग वही रहेगी, पर्टिकुलर अमाउंट सेल्स। अगर क्वेश्चन में सेल्स देखें 1220 है, ठीक है। फिर अदर इनकम दे रखा है, डायरेक्ट नहीं है तो हम बाद में लेंगे। एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना है, 800। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम गिवन है 370 रुपए। तो आप देखिएगा इसके अंदर और भी चीजें जुड़ जाएंगी साथ के साथ। और क्या दे रखा है, चेंज इन इन्वेंट्री कितने हैं, 268। तो ये भी इसी का पार्ट है। इसके साथ साथ देखोगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट अलग हो जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट अलग हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अलग है, अदर एक्सपेंस नोट नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको लोकल टैक्स देखने को मिलेगा, सेस एंड लोकल टैक्स, दैट इज आपका है ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, 22 रुपए। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यहीं का पार्ट है, 188। अगर जीएसटी वगैरह होता तो हम यहीं पे रख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें हैं। एडमिन एक्सपेंस हम आगे दिखाएंगे, एडमिन एक्सपेंस का तो पार्ट हम आगे कंसिडर कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पे भी एडमिन एक्सपेंस लिया जा सकता है। एडमिन एक्सपेंस कहता है सर 38 रुपए है, जिसको हम आगे लेके जाएंगे, 38 रुपए जो एडमिन एक्सपेंस है। तो सबसे पहले ये वाला हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब अलग से क्या दिखा देंगे, अगर आपका इंटरेस्ट है कोई वर्किंग कैपिटल पे तो देख लेते हैं। सर इंटरेस्ट के लिए फाइनेंस कॉस्ट के लिए हमें नोट गिवन है, कौन सा नोट गिवन है फाइनेंस कॉस्ट के लिए, नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 में वर्किंग कैपिटल पे भी है 16 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल 16 रुपए, इसको टोटल करके अभी दिखा देंगे। इसके बाद एडमिन एक्सपेंस देख लेते हैं। एडमिन एक्सपेंस, सर एडमिन एक्सपेंस में क्या क्या है, एडमिन एक्सपेंस में हमारा खर्चा दे रखा है 38, लेकिन आगे एडजस्टमेंट में कहता है कि इस 38 में एडमिन एक्सपेंस में ऑडिट फीस 96 है। तो ऑडिट फीस भी इसी का ही पार्ट माना जाता है, ध्यान रखिएगा ये मेन पॉइंट है। और आगे कहता है कि डायरेक्टर का कमीशन 10 रुपए, वो नहीं माना जाएगा यहाँ का, ठीक है। और आगे कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है हमें 10.40, तो वो यहीं का ही खर्चा होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी यहीं कंसीडर करेंगे। प्रॉफिट कंसर्न, आपका प्रॉफिट दे दिया ट्रांसफर जनरल रिजर्व में 120 रुपए, और 20 रुपए हैव बीन पेड डिविडेंड, हमने 20 रुपए का क्या पेमेंट कर रखा है डिविडेंड, वो तो बाद की बात आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा 28, ठीक है। और कुछ है नहीं, तो इनको माइनस करने के बाद हमें एक रिजल्ट मिलता है, दैट इज आपका वैल्यू एडिट बाय ट्रेडिंग कंसर्न, वैल्यू एडिट बाय मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग। ऐड कर देंगे इसके अंदर हम अदर इनकम, है ना। अदर इनकम देखोगे 50 रुपए गिवन है आपको, स्टार्टिंग में ही अदर इनकम 50 रुपए है, तो ये 50 आ गया। अब ये जो निकल के आएगा दैट इज हमारा आ जाएगा ग्रॉस
वैल्यू एडिड, यानी जिसे जी वी ए कहते हैं हम, ठीक है ना। साथ के साथ आपको पता है कि अगर नेट पूछा जाए तो क्या माइनस कर दोगे इसमें से, बताओ। नेट पूछा जाए तो क्या माइनस कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे। तो टोटल कर ले 370 प्लस 268 प्लस 188, 826 आ गया ये, प्लस 16 प्लस 280 माइनस 1220, सर ये 98 आ गया, और प्लस 50 148, थोड़ा ऊपर हो गया ये, इसका आंसर है 148। तो हालांकि हमने ये निकाल लिया क्या आ गया 148। इसके बाद एप्लीकेशन का भी देख लेंगे, हालांकि क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा आपको को एप्लीकेशन का करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, तो उसके हिसाब से रहेगा सारा हमारा। हमारा एडमिन एक्सपेंस कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे, अच्छा ये थोड़ा सा एरर हो गया, ये 28 है, वही कहूँ इतना कम कैसे बच रहा है। तो चार सौ, 350 और ये आ गया 400। अब हम कर देंगे एप्लीकेशन, इसके बाद जो हम लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे सर, इसके बाद होगा एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडिट। क्या एप्लीकेशन करा हमने, क्या क्या यूज किया ऑफ वैल्यू एडिट। सबसे पहले क्या करोगे सर, नंबर वन पे आपका टू पे एम्प्लॉय, सर एम्प्लॉय के बारे में आपको क्वेश्चंस में गिवन था क्लियरली कि आपका एम्प्लॉय बेनिफिट है, दैट इज 82 रुपीस दे रखा है आपको एम्प्लॉय बेनिफिट में, तो हम सीधा 82 लिखने वाले हैं यहाँ। इसके बाद टू पे डायरेक्टर, टू पे डायरेक्टर, हमने डायरेक्टर को पैसा दिया सर कितने रुपए, 10 रुपए सवाल में गिवन थे, जो कि हमने यहां से माइनस किया, डायरेक्टर को चला गया। इसके बाद क्या करते हैं, टू पे लेंडर इंटरेस्ट वगैरह का, इंटरेस्ट में इकट्ठा ही लिख रहा हूं, बाकी आपके पास स्पेस होगा तो आप अलग अलग करके लिखिएगा, ठीक है। इंटरेस्ट में देखिए दो इंटरेस्ट है, नोट नंबर 3 में जाके देखेंगे तो, नोट नंबर 2 में सॉरी, 24 और 14, तो 24 प्लस 14, बाद में टोटलिंग कर लेंगे। इसके बाद देखा जाए, इसके बाद क्या होगा, डिविडेंड शेयर होल्डर को। इसके बाद क्या है हमारा, टू पे गवर्नमेंट, ऊपर नीचे हो सकता है कई बार, गवर्नमेंट और लेंडर को कई बार ऐसे हो जाता है, तो गवर्नमेंट को क्या क्या प्रोवाइड किया हमने, एक तो सेस था 22 रुपए का, जो कि आगे जो हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर रहे हैं ना वो आगे चल के माइनस भी हो जाएगा रेवेन्यू में से, और एक इनकम टैक्स था हमारा 45 का। सर इनकम टैक्स कहाँ देखने को मिलेगा, इनकम टैक्स 45 का, सर आपने जो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें देखिए 45 रुपए क्लियरली मेंशन है। इसके टू पे शेयर होल्डर, अब शेयर होल्डर को आपने डिविडेंड दिया है सर, कितने रुपए का डिविडेंड दिया, मात्र और मात्र आपने डिविडेंड दिया है 22 रुपए का, नीचे क्वेश्चंस में गिवन था कि आपने पे किया है 22 रुपए का, 22 रुपए यहां लिख देते हैं, ठीक है। इसके आगे की कहानी इधर कर देते हैं, ठीक है। अब टू हम प्रोवाइड करेंगे फॉर एक्सपेंशन, सबसे पहले डेप्रिसिएशन ले लेते हैं सर, डेप्रिसिएशन कितने का था हमारा, डेप्रिसिएशन का 28 रुपीज का। उसके बाद डिविडेंड ले लो, सॉरी डिविडेंड तो दे ही दिया हमने, और उसके बाद हम ले लेंगे रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग कितने का कह रहा था क्वेश्चन में, 120, एडजस्टमेंट में गिवन है देखो 120 का। अब ना हमें फाइनली पिछले वाले क्वेश्चन में तो बराबर हो गया था, अब हमें चेक करना होगा हमारा प्रॉफिट कितना था साहब, हमारा 175 था, यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट भी इसी का पार्ट हो जाएगा, 175 था जिसमें से 120 तो रिटेन अर्निंग में चला गया, और डिविडेंड में कितने चले गए साहब, डिविडेंड में आप देखोगे तो 22 रुपए का चला गया, ठीक है, डिविडेंड कितने का चला गया 22 रुपए। टैक्स कौन सा सर, डेफर्ड टैक्स वाला पॉइंट होता तो हम यहां से क्रेडिट
डेबिट कर देते हैं। यहाँ पे सेस नॉर्मल एक टैक्स था जिसको मैंने गवर्नमेंट वाले हेडिंग में डाल दिया, तो यहाँ उसको करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बोल दिया था शायद कि इस टैक्स को लेंगे, वो डेफर टैक्स मेरे ध्यान में रहा था इसलिए बोल दिया था। तो 175 33 और इन सभी का जोड़ कितना होना चाहिए, दैट इज सर 400 रुपए, 82। तैतीस और क्या रह गया, अच्छा इसका टोटल रह गया 38, ये तो लिया ही नहीं, 67, 82, 10, 38, 67, 22, 28, 120 और 33, दैट इज 400 रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है सर इसका रिकंसिलेशन भी करो आप, तो रिकंसिलेशन मैं नहीं समझता कि आएगा, तो हम यहां पे ले लेंगे क्या सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और सवाल में कहेगा कि कहां से रिकंसिलेशन उठाना है, आफ्टर टैक्स से करना है बिफोर से, तो क्वेश्चन में आप देखेंगे ना तो क्लियरली मेंशन है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड बिफोर टैक्सेशन से, आपको बिफोर टैक्सेशन से करना है रिकंसिलेशन। तो बिफोर टैक्स से हमारा जो प्रॉफिट था ना बिफोर टैक्स, दैट इज हमारा 222 था। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या क्या चीजें एडिट कर देंगे, जितने रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा ऐड हो जाएगा, जैसे डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, टैक्स ऐड हो जाना है इसमें। ठीक है ना, जितने चीजें हमने यहां लिखा है एम्प्लॉय वगैरह टैक्स वगैरह सब चीज ले लेंगे। डेप्रिसिएशन के बाद और क्या है सर, एम्प्लॉय सैलरी वेजेस, और क्या ऐड करेंगे सर, लेंडर को जो पेड किया, और क्या ऐड करेंगे, जो गवर्नमेंट को पेड किया, जो भी हमने गवर्नमेंट को लोकल टैक्सेस पेड किए, और क्या ऐड करेंगे सर, डायरेक्टर का रह गया, तो इन सभी को ऐड कर देंगे, सिर्फ इस वाले पोर्शन को छोड़ दो रिजर्व वाले में से रिटेन अर्निंग वगैरह। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन सर 28 रुपए, सैलरी एंड वेजेस एम्प्लॉय 82, लेंडर को दिया हमने 38, गवर्नमेंट को हमने पे किया 67, डायरेक्टर को दिया हमने 10, और क्या रह गया सर, बस अब फटाफट से टोटल कर दो, हो जाएगा रिकंसिलेशन। ये तो मेरे को कई बार ना समझ में नहीं आ रहा क्यों रिकंसिलेशन करवाया जाता है लगभग, बट आएगा, रेयर चांस है, आप देख लीजिएगा 28 82 38 67 और प्लस 10, एक मिनट, 222 28 82 38 67 प्लस 10 45 रुपए। अच्छा ये टैक्स तो बिफोर ले लिया ना हमने, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का टैक्स जो आएगा ना, इसका ध्यान रखिएगा, ये बिफोर वाला नहीं आएगा, ओनली 22 जो कि बाद में पे किया है, माइनस 45 तो ये आ गया 400। ये था क्वेश्चन नंबर 2। एक बार मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ सर, इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस था, नीचे कुछ एडजस्टमेंट थे, नोट्स होगा उससे। वैल्यू एडिट स्टेटमेंट के अंदर हमने पहले सेल्स लिया, फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल में चेंज इन इन्वेंट्री को भी लिया जाता है, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी खर्चा है तो उसे भी ले लिया जाएगा। इंटरेस्ट वर्किंग कैपिटल एडमिन एक्सपेंस को दिखा के हमारा आ गया मैन्युफैक्चरिंग, इनकम को जोड़ दिया हमारा आ गया ग्रॉस वैल्यू एडिट। इसके बाद इस पैसे को आपने कहाँ कहाँ खर्चे हैं उसकी एप्लीकेशन करी आपने, बाद में आप रिकंसिलेशन में क्या करते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लेते हो, और जो टैक्स बिफोर लिया उसको छोड़कर बाकी सारा काम कर लेगे। अगर यहाँ आफ्टर टैक्स लेते ना, तो यहाँ पे मैं 45 रुपए जो मैंने माइनस कर दिया टैक्स में से गवर्नमेंट को, वो ऐड करके 67 ही लेता। तो ये क्वेश्चन डन हो गया, इसको भी आप आराम से नोट करिए और प्रैक्टिस करिएगा जरूर इसके, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आपके बुक में गिवन नहीं है इस टाइप के।